हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ब्लॉक्स और डिजाइन से बने पैटर्न के बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। चाचा ने नई डिजाइनों के कपड़े बनाने के लिए किट्टू को कुछ दिन अपनी दुकान में नौकरी पर रखा था, लेकिन किट्टू बहुत आलस करती थी और अधूरी डिजाइनें बनाकर छोड़ दिया करती थी। इसलिए चाचा ने कुछ दिन बाद किट्टू को नौकरी पर आने से मना कर दिया। अब चाचा खुद उन अधूरे डिजाइनों को पूरी करने की कोशिश में जुटे हैं। पहले चाचा ने इस डिजाइन की कमीज उठाई। ये पैटर्न बनाने के लिए किट्टू ने कौन से नियम का उपयोग किया है, चाचा सोच रहे हैं। बच्चों, क्या आप किट्टू द्वारा बनाए गए इस पैटर्न के नियम को पहचानने में चाचा की मदद कर सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि ये निशान इसके पिछले निशान को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 3/4 घुमाकर बनाया गया है। ठीक उसी तरह इसके बाद बना निशान इस निशान को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 3/4 घुमाकर बनाया गया है। अरे वाह बच्चों, आपने इसका नियम ढूंढ लिया। इस पैटर्न को बनाने के लिए किट्टू ने हर बार पिछले निशान को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 3/4 या घड़ी की सुई की दिशा में 1/4 घुमाकर बनाया है। चाचा ने भी आप ही की तरह इस पैटर्न का नियम ढूंढकर इस कमीज पर बने डिजाइन को पूरा कर लिया। बच्चों, अब क्या आप चाचा को इस स्कर्ट और इस दुपट्टे पर बने पैटर्न्स के नियम ढूंढने में भी मदद कर सकते हैं? अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका हल ढूंढिए। स्कर्ट पर बने पैटर्न में हर बार डिजाइन को घड़ी की सुई की दिशा में आधा घुमाया जा रहा है और दुपट्टे पर बने पैटर्न में डिजाइन को हर बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 1/4 या घड़ी की सुई की दिशा में 3/4 घुमाया जा रहा है। चाचा ने भी उन अधूरे पैटर्न का नियम ढूंढकर उन पैटर्न्स को पूरा कर लिया। सभी गांव वालों को चाचा की दुकान पर बिक रहे नए पैटर्न्स के कपड़े बहुत पसंद आ रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा ब्लॉक्स और डिजाइन से बने पैटर्न के बारे में और जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखेंगे।